हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे नए ब्लॉग में। और मैं भी जयपुर में ही टिका हुआ हूँ, तो कुछ दिन बाद हो सकता है घर जाना हो जाए। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। और चैनल पे लगभग 1000 जो व्यू हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, 100 घंटे के लगभग का वॉच टाइम भी कंप्लीट हो चुका है। बने रहे हमारे साथ, अभी चलते हैं हम मार्केट जा रहे हैं। एक बार तो हम है ना लिफ्ट में बैठ गए, पानी लेने जा रहे थे, तीन दोस्त थे, लिफ्ट को चलाना भूल गए, बैठ गए आराम से। कुछ देर बाद पता लगा अरे लिफ्ट तो चली नहीं, अभी पहुंचे नहीं, क्या बात हो गई। फिर बाद में चलाया लिफ्ट को। पैकेट ले लो ऐसे प्रोटीन के लिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मटर और पनीर मिला के खा रहे हैं हम। ये देखो आप भी खा के देखो, अच्छा लगता है। तो दोस्तों कल अपना घर चलने का प्लान बन चुका है, सामान वामान करते हैं पैक, कल चलेंगे सुबह अर्ली मॉर्निंग घर पे। काफी दिन हो गए अपने को जयपुर आए हुए, और दोस्तों के भी फोन आ रहे हैं, वहाँ से घर वालों के भी फोन आ रहे हैं, तभी याद कर रहे हैं। और अपने भी अब यहाँ मन नहीं लगता है दोस्तों के बिना, तो कल चलेंगे घर पे, सामान करते हैं फटाफट से पैक और फिर मिलते हैं। सामान सारा बिखरा पड़ा है भाई साहब, लैपटॉप सब डाल रहे हैं, अपना बैग पड़ा है यहाँ पे। रिमोट आज मैं लेके आया था 100 रुपए का, मोबाइल को कनेक्ट करने के लिए। सब डाल लेते हैं सामान अपन ने बिल्कुल पैक कर दिया है पूरा कंप्लीट। देखो दो बैग हो गए अपने, सुबह लेके चलेंगे आराम से, आसानी से उठाने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फोन की भी बैटरी लो हो रही है, फोन को भी चार्ज में लगाते हैं। और अभी तो करते हैं आराम, रात के बज चुके हैं, 10 के लगभग बज चुके हैं, अभी सोते हैं, सुबह मिलेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे और जल्दी चलेंगे, सामान अपन ने पैक कर दिया है, सुबह मिलते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग, तो सुबह के बज चुके हैं 6:15, हम उठ चुके हैं और अब घर चलने की तैयारी है। नहाएंगे धोएंगे नहीं, क्योंकि नहाने धोने के लिए गीजर है नहीं, यहाँ पानी गर्म करना पड़ेगा गैस पे, उसमें लगेगा टाइम, तो टाइम वेस्ट करना नहीं है, घर चलते हैं, घर चल के ही नहा लेंगे। तैयार है बिल्कुल, बिना नहा धो के लाएंगे नहीं आज, तो चल रहे हैं जल्दी जल्दी। अब खाना थोड़ा बहुत बच रहा है रात का, कुछ खा लेते हैं, यहाँ वेस्ट होगा नहीं, कोई मतलब नहीं है। लो दे दो सूखी हुई रोटी और दही, मस्त वाला मजा आ रहा है, ठंडा ही हो। तो भाई गार्ड साहब को अपनी कैन दी हुई थी पानी की, वो कल दी थी अपन ने, पानी खत्म हो गया था, तो वो पानी कैन तो अपन वापस रख के आते हैं फ्लैट पे, क्योंकि अपना तो घर चलने का प्लान बन ही गया है। पानी की बोतल तो मैं ले आया हूँ, यहाँ रख रहा हूँ यार। चलो फिर चलो, कैब अपने बुक कर दी है, कैब से चलेंगे। और अमेजन पे बढ़िया ऑफर आ रहा है 30% कैशबैक का, 30% कैशबैक भी मिलेगा और अपनी राइड भी हो जाएगी। 31 जनवरी तक ही था और आज 31 जनवरी है, चलते हैं अपन। सामान ओवरलोड है आज अपने पास, बस की सफारी करेंगे आज, क्योंकि आज बस में जाना पड़ेगा अपने को। चुके हैं सिंधी कैंप बस स्टेशन, केतड़ी डिपो पे बस मिल जाए तो अच्छा है, यही जाएगी। आ जाओ, कितने बजे जाएगी पता नहीं। मटकू भाई से मिलेंगे चल करके, बहुत दिन हो गए, 7-8 दिन हो गए हमारे को जयपुर आए। तो दादाजी तो खैर हर शुक्रवार को आते ही थे, और उनकी 3 नंबर और 4 नंबर सीट फिक्स हुआ करती थी, वही मिलती थी उनको। देखो नया बोर्ड लग गया अपने घर के पास में, और हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल घर के नजदीक, बस की सवारी अपनी खत्म हुई, उतर गए, अब 11 नंबर की गाड़ी से चलेंगे घर। तो घर पे चलते हैं, मटकू भाई से मिलेंगे और विकास भाई साहब से मिलके भी आएंगे आज, उन्होंने भी काफी बार फोन कर दिया है। तो भाई विकास भाई को सरप्राइज देने के लिए चल रहे हैं, मैं आ गया था लगभग 11:30 बजे और अभी 5 बज गए हैं, अब मैं जा रहा हूँ उनके घर, देखते उनका क्या रिएक्शन रहता है, क्योंकि मैंने उनको फोन नहीं किया था कि मैं आ गया हूँ। उनका मेरे पास 2 या 3 दिन से फोन आ रहा है कि आप कब आ रहे हो, कब आ रहे हो, तो अब चलते हैं उनके पास। I'm sick and tired of interpreting.
भाई साहब आराम कर रहे हैं, देखो आप। चलो फिर आ जाओ, बाहर आ जाओ। फोन की बैटरी बिल्कुल लो हो चुकी है, मेरे को याद ही नहीं रहा कि हमारे को ड्रोन शॉट लेने हैं। और अभी चलते हैं अपन, इनके पास कोई प्रोजेक्ट आया हुआ है अपना, ये प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए मैं जयपुर से आया हूँ स्पेशल इसी काम के लिए। अभी चलते हैं अपन, फिर मिलते हैं आपसे। फोन अपन ने चार्ज कर लिया और अपन चल रहे हैं वापस। हम आ गए थे फोन को चार्ज करने के लिए, ड्रोन से काम था, ड्रोन को अपन यही बोल रहे हैं। ड्रोन तो लेके चलो, ये ड्रोन लेके चलते हैं अपन। तो मटकू भाई हमारे साथ आ रहे हैं। हेलो भाई, लगभग 7-8 दिन के बाद अब हमारे साथ आए हैं, तो अपन चल रहे हैं। अब विकास भाई साहब अपने साथ आ गए थे, इनको हमने घर से उठा ही लिया था। विकास भाई साहब कह रहे हैं कि फोन का कैमरा बहुत शानदार है, OnePlus 9R लेने का यही मकसद था कि व्लॉग शूट करना चाहें, तो अपन OnePlus 9R इसीलिए लिया था मैंने, क्योंकि मैंने पहले से मन बना रखा था व्लॉगिंग करने का। काफी दिन से मेरा मन था, लगभग 1 साल से। अब तो खैर ब्लॉगर तो बहुत है, लेकिन हम तो अपना शौक पूरा कर रहे हैं भाई। हमारे को वीडियो बनाना, एडिटिंग करना अच्छा लगता है, तो ये एक मतलब प्रयोग कर रहे हैं। अब हम इस प्रयोग में कितना सफल होते हैं तो आप ही लोग बताओगे। तो ये भाई देखो, ये उन्नत किस्म की कृषि है, इसमें इन्होंने मोटर लगा रखी है। और ये क्या लगा रखा है, ड्रिप सिस्टम से खेती करते हैं ना, तो इसमें पानी ऑटोमेटिक आता है। वाल का क्या सिस्टम, इसमें पानी चल रहा है अभी। देखो आप, बड़े उन्नत किस्म से कृषि की जा रही है यहाँ पर। हमारे गांव के जो किसान हैं, तरबूज की इन्होंने भी खेती कर रखी है, सरसों की फसल है। अभी इन्होंने नया स्टार्टअप लिया है, देखते हैं कितना स्टार्टअप इनका कामयाब होता है, वो तो आगे भगवान जाने। और भविष्य में जितनी मेहनत होगी उतना स्टार्टअप सक्सेस होगा। मिलते हैं विजेंद्र जी से। 5 जनवरी को हमने बीज रोपण किया था इसका। इसमें सब में खरबूजा ही है, इनमें तरबूज है, ऊपर वाले में तरबूज है। अच्छा, इनमें खरबूजा है। विजेंद्र जी बता रहे हैं कि 5 जनवरी को इन्होंने बीज रोपण किया था और लगभग 3 महीने बाद जो है वो फसल तैयार हो जाएगी, खरबूजे की और तरबूज की। तो 3 महीने बाद हम जरूर आएंगे तरबूज और खरबूज खाने के लिए। और अभी विजेंद्र भाई साहब हमारे पुराने साथी रहे हैं, ये तो हमसे खैर काफी सीनियर हैं, हम जूनियर रहे हैं इनके। वैसे अब मेरी दाढ़ी वाड़ी देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं सीनियर हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये जहाँ पानी है वहाँ तो भैया सोना ही सोना है, तो ये तो हमारे राजस्थान का सोना हम सरसों को ही मानते हैं। तो अब बसंत पंचमी का त्योहार 5 तारीख को आने वाला है, बसंत पंचमी के लगभग पास में ऐसा कहते हैं कि सरसों के फूल जो है वो जड़ जाते हैं, तो इसलिए हमने थोड़ा जल्दी करके ये वीडियो बनाया कि बसंत पंचमी से पहले हम ये वीडियो कर सके। तो भाई मटकू भाई के साथ हम आ गए हैं यहाँ खेतों में घूमने के लिए, और ये देखो इनको क्या मिला है, बिना मौसम की लौकी, और वो भी इतनी बड़ी बड़ी मेरे हिसाब से 10 किलो है। लौकी क्या है, तो लौका ही है। इसकी सब्जी तो क्या खाए आदमी। खेती इधर अंदर फूल आ रहे हैं काफी अच्छे, ड्रिप सिस्टम से देखो सिंचाई होती है यहाँ पे। नलके हैं, छोटे छोटे नल हैं, कहीं पे भी आप सिंचाई करो। ये अपने यहाँ इसको फिल्टर, पानी को फिल्टर करके, और फिर ये जो नालियाँ लगी हुई हैं इनमें सप्लाई होती है पानी की। दवाई वाई डालने के लिए ये जो बॉक्स बना हुआ है साइड में, जिसमें वाल लगे हुए हैं, ये वाला जो वाल आप देख रहे हो, इस वाल में दवाई डल जाती है और बिना लाइट के सब चलता है। सोलर प्लेट लगा रखी है, बैटरी नहीं लगा रखी सोलर प्लेट। अच्छा, डायरेक्ट ही चलाते हो? अच्छा, सर्दियों में 5 घंटे चल जाती है सोलर प्लेट। मटकू और विकास भाई साहब चल रहे हैं घर की ओर, आ जाओ घर चलेंगे और फिर घर पे मिलते हैं आपसे। ये देखो भाई साहब, बीज उग गए हैं, तरबूज है ना। बूंद बूंद सिंचाई से पानी की इतनी बचत होती है कि 4 घंटे में ऐसा बता रहे हैं कि 10 बीघा जमीन की सिंचाई बहुत आसानी से आराम से हो जाती है।
ये देखो ये खरबूजा है। हमारे जो युवा किसान है उनके साथ हम अब जा रहे हैं घर पे। भाई साइकिल चार्जिंग नहीं ले रही है, काफी टाइम हो गया इसको लगाए हुए, देखो ऑन नहीं हो रही है, चार्जिंग नहीं ले रही है, खराब हो गई। नहीं हुआ यार, तो सही है यार। तो भाई मम्मी बुला रही है, चलो घर पे, शायद खाना खाने के लिए बुला रही होंगी, चलो। वाह वाह, सब मम्मी सबको डांट रही है, ये सब अपराधी है, इन्होंने सबने सुपारी खाई है अभी। ये सबूत पड़ा है, देखो यार ये सुपारी खाई है सबने, इन्होंने सिखाई है। क्या हुआ कि मेरे दोस्त है ना, हम पहले की बात है, मैं ट्यूशन पे जाया करता था, तो मैं एक बार सुपारी लेके आ गया था, 100 रुपए की। ओ तेरी, 100 सुपारी लेके आया था मैं। मेरे पापा बोले यार तू बैग तो दिखा तेरा, मेरे पापा चेक कर रहे थे मेरे, एकदम से निकली डस्टबिन में फेंक दी। अरे नट्टा राजा खड़े हो, तो भाई साहब ये हमारे मटकू भाई पापा जी से चुप के बैठा है, ये पापा जी कहीं इनको ले नहीं जाए यहाँ से, ये बातों में मस्ती कर रहा है यहाँ पे, इसको जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। इसके ब्लॉग का समापन करेंगे मटकू भाई। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक नहीं किया है अभी तक आपने वीडियो को तो लाइक कर दीजिएगा, और एक शेयर जरूर से कीजिएगा, और जोरदार वाला कमेंट कर दो एक अच्छा वाला। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, धन्यवाद।